ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ ਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਔਕਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਤਨਾ ਡੇਅਰ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਆਜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਤੋ ਜੇ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਆਪਨੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਮਨ ਮੇਂ ਜੇ ਕੈਸੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਬ ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਮੈਂ करीब 14 साल उम्र में था, तो किसी ने एड्स पीड़ित उन्होंने उनका देहांत हो गया और उनका मरने के बावजूद भी किसी ने उनको स्पर्श तक नहीं कर रहा था। तो ये जो छूने वाला बीमारी उनको लोगों को अंदर जो फैला था, तो इसको मैं बहुत घबरा गया था। और वो जब मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आनंद बाजार पत्रिका, वहाँ पे एक कोटेशन था, एड्स डेडलियर देन कैंसर। तो मुझे मन में आया ये कैसा बीमारी है, कैसा भयंकर बीमारी है जिसके बारे में मुझे जानकारी मिले, जो जानकारी मैं लोगों को बांट सकूं। तो ये एक भावना मेरे अंदर आई और मैं करीब 16 साल उम्र से इसके बारे में जानकारी लेना शुरू किए और 19 साल उम्र में मैं इंडिया का एन एक्टिविस्ट बना। तो उसके बाद मैं 20 साल उम्र में इस तरह सफ़र में निकल पड़े और इस ये एक पहली भावना है। दूसरा है, मैं स्वामी विवेकानंद जी को जो सोच है उसमें बहुत विश्वास करता हूँ और उसमें शिक्षा में किस तरह लोगों को प्रचार हो सकते हैं इसके बारे में मैं सोचा था। तो फिर मैं भारत सफ़र में निकल पड़ा और भारत में मैं एड्स के बारे में जन जागृति शुरू किए। मैं एक बुक्स पढ़ा था, बिमल मुखर्जी, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन ग्लोब ट्रॉटर हु ट्रैवल 1926 टू 1937। तो ये करीब करीब 11 साल का सफ़र उनको था, उन्होंने पूरा दुनिया का साइकिल में सफ़र किए थे जब हम ब्रिटिश रूल में थे। तो काफ़ी मुश्किलों मुसीबत सामना करना पड़ा। तो बुक्स पढ़े के बाद मुझे मन में ये भावना आए जो बस परमात्मा ऐसा कोई दिन ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु पहले भारत से हमारा यात्रा शुरू हो और विश्व तक मैं जाना चाहता हूँ। अभी तक आपने कितने कंट्रीज़ में जो ट्रैवल कर चुके हैं? मैं अभी 157 कंट्रीज सफ़र किए हैं। दिस इज़ माई 157 कंट्रीज़ फ्रॉम इंडिया टू हियर, 24 कंट्रीज़ एशिया, 45 कंट्रीज़ यूरोप, नॉर्थ पोल ग्रीनलैंड, 52 कंट्रीज़ अफ्रीका, 10 कंट्रीज़ मिडल ईस्ट, 13 कंट्रीज़ साउथ अमेरिका, साउथ पोल अंटार्कटिका, then 8 countries Caribbean, 8 countries Central America, and then North America, Canada, USA to Alaska, then Russia, Siberia, Mongolia, China, Japan, Philippines, Japan, Korea, then now I'm in New Zealand. कितना समय हो गया आपको ये सफ़र तय करते हुए? ये करीब करीब मुझे 15 साल हो गए, 27 में 2004 साल में निकले और ये आज लगभग 16 साल पड़ने वाला है। और मेरे इस सफ़र और 34 कंट्री बाकी है, तो 34 कंट्री सफ़र करने के बाद मैं इंडिया दिसंबर 2020 में इंडिया जाने वाला हूँ।
तो वहाँ पे मैं मेरे सोच विचार भारत का नए पीढ़ी को देना चाहता हूँ और विश्व को जिस तरह एक फाइनेस्ट वे में जिस तरह मैं विश्व को देखा हूँ वो मैं भारत में जाके अप्लाई करना चाहता हूँ। जब आपने ये सफ़र शुरू किया, लोगों ने आपके ऊपर टिप्पणी भी की हो, कैसे आपने ये शुरू कर लिया, आपने को काम धंधा, जैसे जैसे रोज़ आम आदमी की लाइफ में होता है, तो उसका जवाब लोगों को कब मिलना शुरू हुआ कि नहीं जो सेमन है जो ये बिल्कुल डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं? देखिए, ये मन में तो आया है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी बुरा चीज़ बोले, काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ा, लोगों ने रोक दिया, लोगों ने ख़राब बात बोले, परंतु ये सब मैं कभी ग्राह्य नहीं किए, कभी ऐसा सोचा नहीं था ये संभव नहीं है। मन में हर पल ये भावना जताते रहते हैं जो सब कुछ संभव है, ये दुनिया में इंसान सब कुछ कर सकते, क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत है जो और बाकी कोई पशु के अंदर नहीं है। तो ये मन में ये भावना आए और हर पल मैं वो हंसी के मजाक से वो उड़ा देते थे। और इसके साथ साथ जैसा मुझे 24 दिन तालिबान पकड़ के रखा था, करीब 18 बार मुझे लोगों ने सब कुछ लूट लिया, काफ़ी स्किन हेटेड पीपल, गोरा चमड़ा लोग, काला चमड़ा लोगों ने पिटाई किए हैं। तो ये सब समय जब मैं बहुत करीब से देखा हूँ, तब उस सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा दुनिया बहुत सुंदर है और ये दुनिया को सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। तो हम किस तरह पॉजिटिवली हमारा विश्व को एक सच विश्व बना सकते हैं, एक अच्छा विश्व बना सकते हैं, इस तरह परिकल्पना मेरे मन में था। और काफ़ी देश में मैं गए जहाँ पे वॉर चल रहे हैं, लोगों ने मर रहे हैं, लोगों को कठिनाई परेशानी। तब आपको डर नहीं लगता था जब ऐसी सिचुएशन वहाँ बन जाती थी बीइंग एज ए पर्सन, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक डर तो पड़ा होता है ना? देखिए, जब बहुत डर लगता है तब सिर झुका लेते हैं, बस और कुछ मन में आता नहीं है, क्योंकि वो एकदम मन से तन से जुड़ा हुआ है ये सफ़र के लिए, ये पल के लिए, लोगों को पास जाने के लिए। और इस तरह हर पल मन में भावना आए, देखो मेरे जो प्रॉब्लम है रहे, इससे कितना परेशानी लोगों ने झेल रहे हैं, ये तो मेरे लिए कुछ ही नहीं है। तो इसी तरह उनको उनको साथ सहयोग और उनको और भी करीब अपने समझने के लिए कोशिश की। और खाने का और रहने का आप इंतज़ाम कैसे करते हो? ठहरने का आप पूरी जगह ट्रैवलिंग साइकिल पे ही करते हो? जैसे अब न्यूजीलैंड में दूसरी तरफ जाएंगे तो साइकिल पे जाएंगे? हाँ, एक्चुअली मैं न्यूजीलैंड में सफ़र करीब करीब मैं सोचा हूँ 1700 किलोमीटर मेरे सफ़र है। और मैं इस तरह सोचा हूँ जो एकदम नॉर्थ से लेकर साउथ तक न्यूजीलैंड में इस तरह सफ़र करूँ। और मैं जब चलता हूँ, लोगों ने उनके जो इच्छा है वो मेरे अंदर देखते हैं, इसलिए लोगों ने मुझे बुलाते हैं घर में, मैं गेस्ट के तरफ से उनके साथ रहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। देखो, एक अनजाने अनपहचाने लोग जब आपको बुलाते हैं, आपको इतना उनका खुशी मिलती है आपसे मिलके, तब लगता है जो ना दुनिया में कुछ तो है जो इंसानियत इंसान के अंदर है। इसी तरह
कभी कोई हॉस्टल में रुकना पड़ता है, कभी कोई छोटा गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है, कभी कुछ हॉस्टल गेस्ट हाउस कुछ नहीं है वहाँ पे, लोगों ने मुझे बुलाते हैं, और कहीं लोगों ने नहीं बुलाते हैं, सुनसान रास्ता से चलते हैं तो वहाँ पे अपना तंबू लगा लेते हैं। हाँ, जो तंबू के सहारा से मैं 2-4 दिन 10 दिन रुक सकते हैं, इसी तरह मुझे अपना लगते हैं, क्योंकि मैं जब तंबू में रहता हूं तो मुझे अपना घर अपना बना लेता हूं, और इसी तरह अनुभव होता है दुनिया में हर कोने में अपना घर बन सकते हैं। और इसके साथ ही फाइनेंस का कैसे आप प्रबंध करते हैं, क्योंकि सफ़र ऐसे तो नहीं कि बिना पैसे के तो आदमी नहीं चल सकता, कई जगह आपको हवाई जहाज़ से भी सफ़र करना पड़ता है, कहीं आपको समुद्री जहाज़ से भी सफ़र करना पड़ता है, तो वो कैसे यूटिलाइज करते हो? ये लोगों ने डोनेट कर सकते हैं, इसलिए लोगों को मैं अपील करता हूँ और लोगों ने डोनेट करते हैं। इसी तरह 1 किलोमीटर $1 के हिसाब से, USD के हिसाब से मैं उनको डेडिकेट करता हूँ द किलोमीटर, जो किलोमीटर मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो इसी तरह लोगों को ये अच्छा लगते हैं, जो मेरे साथ तो चल नहीं पाते हैं परंतु उन्होंने 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर इसी तरह मेरे साथ जुड़ा रह के मेरे सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह मैं आगे चलता हूँ लोगों को सहारा। तो कैसे आपके साथ, अगर किसी ने ये वीडियो सुनकर भी आपके साथ कोई राबता करना चाहता है, कोई आपको डोनेट करना चाहता है, तो वो कैसे आपके साथ कर सकता है कनेक्ट? लोग डोनेट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट में www.somen2020world.com somen2020world.com। इसमें एक डोनेट पेपाल बटन है, वहाँ से इंसान डोनेट कर सकते हैं, और नहीं तो लोग इसी तरह न्यूजीलैंड न्यूज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड न्यूज़ के न्यूज़ से मुझे ये डोनेशंस दे सकते हैं। तो इसके साथ ही जैसे आप ये सारा कर रहे हैं, इसको आप रिकॉर्ड भी करते हैं, कुछ राइटिंग भी है, अगर कोई जैसे पाठक होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, कोई वीडियोस वगैरह, वो भी आपकी अवेलेबल है? हाँ, एक्चुअली मैं किताब लिख रहा हूँ, जो मेरे मन में एक इच्छा है, जो ये 16 साल का सफ़र एक किताब की तरफ से पार्ट वाइज लिखा जाए और उसमें लोगों को जानकारी दिया जाए किस तरह दुनिया मुझे अपना रहा है। तो मैं एक किताब का नाम इसके लिए चुना हूँ, द वर्ल्ड बाइकिंग ओडिसी 2004 to 2020। सो व्हाई इट इज़ बाइकिंग ओडिसी, ओडिसी वाज रिटन बाय होमर, होमर इज़ ए ग्रीक पोएट, तो उन्होंने ये ओडिसी लिखा था जो वॉर के बाद पूरा एक परिवार के साथ जीवन बिताने का कहानी। तो मैं ये दुनिया को अपना परिवार ही समझा, और इस तरह मैं सोचता हूँ इट इज़ माय वर्ल्ड बाइकिंग ओडिसी। तो ये दुनिया का जो सफ़र है ये मैं लोगों को डेडिकेट करता हूँ। तो इसी तरह मैं ये किताब में पूरा जीवन कहानी लिखित रहेगा, और इसी तरह मैं सोशल मीडिया में भी कनेक्ट करता हूँ, और फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम VK रशियन लाइफ जर्नल, तो इसी तरह मैं लोगों को साथ संपर्क रखता हूँ, और इस लोग काफ़ी लोग मेरे साथ डायरेक्टली जो करते हैं, तो हर पल
لوگوں کو فون آتے ہیں جی. لوگوں کو کانٹیکٹ ہوتا ہے, تم اسی طرح لوگوں کو ساتھ پل بیتتے ہیں جی. لاسٹ میں پانچ ایسے جگہ جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آدمی کو جو بھی اپنے جیون میں ضرور دیکھنی چاہیے, بہت بہت خوبصورت یا قدرت کے آسپیکٹ سے یا ویسے سوشل آسپیکٹ سے بہت امپورٹنٹ ہے؟ میں بولوں گے یو ایس اے, کینیڈا, نارتھ پول گرین لینڈ, ساؤتھ پول انٹارکٹیکا, ساؤتھ افریقہ, برازیل. یہ سب کنٹری کا اندر ایک الگ خوشی ہے جس سے لوگوں کو فرق کرنا چاہیے اور لوگوں کو اندر ایک الگ بھاؤنا پیدا ہوں گے جی. سو سمن, اور کتنے دن آپ نیوزی لینڈ میں ہوں گے جی؟ میں لگ بھگ ڈیڑھ مہینہ نیوزی لینڈ میں رہیں گے, اور میں ایسا سوچ رہا ہوں اگلا ہفتہ میں اوکلینڈ سے میری یاترا ساؤتھ کی طرف شروع کریں گے, اور اسی طرح ایک دم لاسٹ پوائنٹ جو کیو ہے ادھر تک جائیں گے, اور اسی طرح میں نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا کے لیے نکلیں گے جی. تو اس کے پہلے مجھے آسٹریلیا کا ویزا بھی لینا ہے جی. سو سومن, بہت بہت دھنیہ واد آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ بات کی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جرنی کو لوگ آپ کے جو سوشل میڈیا اور جو اور انیہ سمپرک ہے ان کے ذریعے خود بھی محسوس کریں گے, اور آپ کی اس جرنی کو لوگ اپنے جیون میں بہتر بنانے کے لیے برتیں گے. بہت بہت دھنیہ واد, اور دھنیہ واد انزیڈ نیوز کو جی, جو مجھے میرے بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جی. سو دوستو, یہ سن سومن دیوناتھ جنہوں نے اسی گل بات کی تھی, سفر نیوزی لینڈ کے 1700 کلومیٹر انہوں نے طے کرنا, اگلے ڈیڑھ مہینہ نیوزی لینڈ کے رہن گے, اس تو بعد انہوں نے آسٹریلیا وال جانا. امید کرتے ہیں کہ جتھے بھی یہ جان گے ساڈا بھائی چارہ انہوں نے پورا سہیوگ دے گا, کیونکہ اس قسم کے ڈیئر سٹیپ چکن والے ویکتی سنسار کے بہت گھٹ ہوں نے, تو عام لوگوں وکرے ہوں نے. سو انجڑ پنجابی نیوز نہ تسی اس طریقے جڑے رہنا, اگے بھی اسی تک ویڈیوز اس طریقے دیا لے کے حاضر ہوں رہے. مینوں ترنی بلاسپور دیو یاد, ست سری اکال.